हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषाज क्यूजिन। फ्रेंड्स, मैंगो का सीजन चल रहा है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो पुडिंग की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ एक मीडियम साइज का आम चाहिए। सबसे पहले इसे पील ऑफ कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप किसी भी वैरायटी का पका हुआ आम ले सकते हैं। पील ऑफ करने के बाद इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आम को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ कप शुगर और हाफ कप मिल्क और इसकी स्मूथ प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक स्ट्रेनर के हेल्प से छान लेंगे। वैसे तो इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्राइंड करने के बाद अगर कोई पल्प या रेशा रह जाए तो वो निकल जाते हैं। तो स्ट्रेन करने के बाद पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस पे चढ़ा देंगे। अब इसमें बॉयल आने देंगे। तब तक हम इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए बोल में डालेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप मिल्क और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पुडिंग के लिए स्लरी तैयार है। अब प्योरी को चेक कर लेते हैं। अब इसमें भी अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने जो स्लरी तैयार करके रखी है वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे थिक होने तक पका लेंगे। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। बस फ्लेम का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो 5 से 10 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है और ये अच्छे से पक भी गया है। अब लास्ट में इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस और 1/2 नींबू का रस। वेनिला एसेंस और नींबू का रस ये दोनों ही पुडिंग के टेस्ट को एनहांस करते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब आपको पुडिंग जिस भी कंटेनर या मोल्ड में सेट करना हो उसे घी या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लें और फिर इसे उसमें सेट होने के लिए डाल दें। और ध्यान रखें कि इसे गरम गरम ही मोल्ड में डालना है, नहीं तो ये पैन में ही सेट हो जाएगा। तो मैंने इसे सेट करने के लिए एक बोल में डाल दिया है और बची हुई पुडिंग मैंने कुकीज मोल्ड में डाल दिए हैं जो मेरे पास रखे हुए थे। अब इसे गैस स्टोव पर ही थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो इसे मैंने 1 घंटे बाद फ्रिज से निकाला है और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल जेली जैसा हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे पुडिंग को डीमोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने ग्लॉसी लग रहे हैं, ये खाने में उतने ही टेस्टी भी लगते हैं। मैंगो का सीजन है, ट्राई करें मैंगो पुडिंग की रेसिपी और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो जब भी आपका ठंडा और मीठा खाने का मन करे तो आप इसे एनी टाइम बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए उषाज क्यूजिन को सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।